बोलिए कमरे। हाँ प्रिंसिपल साहब का जब तक आदेश नहीं होगा नहीं जाने देंगे। ठीक है प्रिंसिपल, किसी भी नहीं आप लोग। आप लोग क्यों सर, एक बाहर नहीं रहेंगे आप लोग। देखिए इस स्कूल में हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम लोग भूखे हैं, सुबह भूखे आए हैं और हम लोग के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। भारत के संविधान में भी ये नहीं है कि कोई भूखे एग्जाम दे और इन लोग तानाशाही कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट के साथ। आइए अंदर आइए। क्या क्यों जबरदस्त, देखिए हम लोग के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। देखिए देखिए हम लोग के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इस स्कूल में। हम लोग के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। देखिए बोलिए आप लोग, बोलिए सबको। ये वोट बोल देंगे नहीं नहीं डीसी की तरफ से रिटर्न ऑर्डर है और ना ही कुछ है, फिर भी हम लोग को रोका जा रहा है। बाहर बुलाइए सर, सर को बाहर बुलाइए या फिर हम लोग अंदर जाने दीजिए। सर को बाहर बुलाइए या फिर अंदर आने जाने दीजिए। एक आदमी जाइए, एक आदमी सर। आप बोलिए कि हम लोग नहीं जाने देंगे, आप बोलिए कि ताला नहीं खोला जाएगा। आप रोक रहे हैं ना सर हम लोग को, आप बोलिए। हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। मीटिंग में हम लोगों को बोल दिया गया जो नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप हमको रिटर्न ऑर्डर दिखाइए कि नहीं बाहर दिया। हम लोगों को जो डीसी साहब के जो मीटिंग हुआ है जो साहब ने हम लोगों को, देखिए प्रिंसिपल साहब भी हम लोग को ना रिटर्न ऑर्डर दिखा रहे हैं ना ही बाहर जाने के लिए दे रहे हैं। हम लोगों को मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया था उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो सर काम आप रिटर्न ऑर्डर दिखाइए ना, आप अपने मन से बोल दीजिएगा एग्जाम नहीं देने देंगे। चलिए भाई, ठीक है हो गया ना। आप कहे हम जाने जाए, कोई दिक्कत नहीं।